दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट मोगो, जहां आपको मिलता है ऑल टाइप कॉर्पोरेट प्रिंटिंग सॉल्यूशन लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार, और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। और सुबह की सबसे ताजा तरीन खबर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर है, जहां अमित शाह आज झाबुआ के दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही जिले के नेतृत्व में बड़ा फेरबदल करते हुए झाबुआ जिले के जिलाध्यक्ष मनोहर सेटिया को हटाकर ओम प्रकाश शर्मा को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश नेतृत्व की इस कार्रवाई से नाराज होकर करीब 2 दर्जन बीजेपी नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। और सुबह की अगली खबर बाबा रामदेव को लेकर आ रही है, जहां 4 साल पहले दलितों पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हिसार के एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव को 22 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि यह नोटिस शिकायतकर्ता अधिवक्ता रजत कलसन की रिविजन याचिका पर जारी की गई है। और सुबह की अगली खबर गगनयान को लेकर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन 2022 को सफल बनाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सहयोग करने की बात कही है। इसके लिए भारत के इसरो और रूस के रोस्कॉसमॉस के बीच समझौता किया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया था कि 2022 से पहले भारत का कोई बेटा या बेटी अंतरिक्ष में स्वदेशी गगनयान से पहुंचेगा। और सुबह की अगली खबर शिवसेना को लेकर है, जहां शिवसेना ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह बहुत देर से उठाया गया कदम है। इसके साथ ही शिवसेना ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जब तेल की दरें रोजाना बढ़ रही थी, तब केंद्र सरकार ने रोजाना 1 लाख करोड़ रुपए बनाए। और सुबह की अगली खबर सबरीमाला मंदिर को लेकर है, जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राज्य सरकार से सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर महिलाओं के उम्र संबंधी पाबंदियों को हटा दिया था। और सुबह की अगली खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कंडम के नेता टीटीपी दिनाकरन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम पर वर्तमान सीएम पलनीस्वामी को सत्ता से बेदखल करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अन्नाद्रमुक से निष्कासित किए जा चुके नेता ने दावा किया है कि पनीर सेल्वम ने सितंबर के अंत में दिनाकरन से मिलने की कोशिश की थी। और सुबह की अगली खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए 28 करोड़ देने के ममता सरकार के फैसले को कोलकाता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए इस पर रोक लगा दिया है। आपको बता दें कि ममता सरकार ने इससे पहले राज्य की दुर्गा पूजा समितियों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। और सुबह की अगली खबर रिजर्व बैंक से आ रही है, जहां रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा रेपो और रिवर्स रेपो रेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। सिर्फ बैंक ने गवर्नर अर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति के रेपो रेट को 6.50% पर जबकि रिजर्व रेपो को 6.25% पर बरकरार रखा है। आपको बता दें कि बैंक के इस कदम से सस्ते कर्ज का इंतजार और लंबा हो गया है। और सुबह की अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली बार एक्शन लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ को आसियाना ए इकलाब हाउसिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसकी कीमत 14 अरब रुपए थी। और सुबह की अगली खबर इंदौर से आ रही है, जहां आबकारी घोटाले को लेकर सिनेमा के मैनेजर और 42 करोड़ के चर्चित आबकारी घोटाले में पुलिस ने एक शराब ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस उसकी पिछले 1 वर्ष से तलाश कर रही थी। आरोपी पर पुलिस ने 20,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। और सुबह की अगली खबर भोपाल से आ रही है, जहां स्मार्ट पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया के अनुबंध में घोटाले का आरोप लगाते हुए पेड पार्किंग वेलफेयर एसोसिएशन और यूथ कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट पार्किंग को संचालित करने वाली कंपनी माइंड टेक को लाभ पहुँचाने का आरोप निगम प्रशासन पर लगाया है। और सुबह की अगली खबर बीजापुर से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नक्सलियों ने सक्रियता दिखाते हुए बीजापुर जिले के लोगों को चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है और इसके पोस्टर भी नेशनल हाईवे पे लटका दिए हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों ने अपने पर्चे में मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है।
और सुबह की अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पुलिस को एक वाहन चेकिंग के दौरान 68.50 लाख रुपए मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल एसएसपी मनोज कुमार के निर्देश पर शहर के मेहदी हसन चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान सिटी एसपी राकेश कुमार ने एक स्कॉर्पियो से यह रुपए बरामद किया है। आपको बता दे कि इतने रुपए मिलने से पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और सुबह की अगली खबर भी बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां जिले में आए आंधी पानी से बाधित हुई बिजली आपूर्ति के कारण शहर अंधेरे में डूब गया है। ट्रांसमिशन लाइन में आई खराबी के कारण पावर सब स्टेशनों ने लोड लेना बंद कर दिया है। कुछ देर के लिए ग्रिड में हाई वोल्टेज की स्थिति हो गई है। तो ये थी आज सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।